is in your hands. हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल मूवीज़ के बारे में, यानी उन मूवीज़ के बारे में जिन मूवीज़ के अंदर इंसान ऐसी क्षमता विकसित कर लेता है जिसके जरिए वो भविष्य में लाखों साल आगे भी ट्रैवल कर सकता है, देख सकता है कि पृथ्वी का विनाश कैसे होगा या भविष्य में लोग कैसे रहेंगे। साथ ही साथ वो भूतकाल में भी ट्रैवल कर सकता है, पास्ट में भी ट्रैवल कर सकता है, लाखों साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे या पृथ्वी कैसे बनी, वो सब कुछ वो अपनी आंखों से देख सकता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कुछ मूवीज़ की बात करेंगे जो सभी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th मूवी है नेक्स्ट डे। मूवी आई थी 2007 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई लास वेगस की एक मैजिशियन की, जिसके पास शक्ति है कि वो भविष्य को देख सकता है। भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ उसको पहले ही पता चल जाता है। इसी की वजह से आज तक कभी भी किसी पुलिस वाले या किसी FBI एजेंट के हाथ नहीं चढ़ा है। और एक FBI एजेंट को इसकी शक्तियों के बारे में पता है। उसको पता है कि ये भविष्य देख सकता है और वो इसकी मदद चाहती है ताकि ये लोग पता लगा सके कि आखिर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कौन करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी इन द शैडो ऑफ मून। ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक क्राइम मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फिलाडेल्फिया की पुलिस वाले की, जिसको पता लगता है कुछ केसेस के बारे में जिसमें बहुत से लोगों के मर्डर हुए हैं और उनके मरने का तरीका एक ही है, उनको बहुत बुरी तरह मारा गया है। ये उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको पता लग जाता है कि आखिर उसको किसने मारा है। लेकिन उसको पकड़ते समय गलती से वो ट्रेन के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है जिस लड़की ने इन लोगों का मर्डर किया था, और केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन काफी सालों बाद वापस लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाता है बिल्कुल उसी तरीके से, और CCTV में वही लड़की दिखती है जो काफी साल पहले मारी गई थी। आखिर ये कैसे संभव है, आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी अबाउट टाइम। ये मूवी आई थी 2013 में। ये कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक 21 साल के लड़की की, जिसको पता लगता है उसकी फैमिली के एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में, और वो सीक्रेट ये है कि इसके फैमिली मेंबर्स टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और अब इस लड़की को मौका मिलता है कि ये भी टाइम ट्रैवल कर सकता है उस टेक्नोलॉजी की मदद से। आखिर ये क्या करता है उस टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी हॉट टब टाइम मशीन। ये मूवी आई थी 2010 में। ये कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ दोस्तों की, जो काफी साल बाद मिलते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग साथ में घूमने जाएंगे जहां पे ये लोग कॉलेज के समय में घूमा करते थे। और वहां पे ये लोग एक हॉट टब के अंदर बाथ ले रहे होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि ये हॉट टब एक्चुअल में एक टाइम मशीन है। और ये लोग गलती से 1986 में पहुंच जाते हैं सीधे 2010 से, और गलती से इनकी टाइम मशीन भी खराब हो जाती है। अब कैसे ये लोग वापस अपने समय में आते हैं, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है 13 Going on 30। ये मूवी आई थी 2004 में। ये कॉमेडी फैंटेसी रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक 13 साल की लड़की की, जो अपने जन्मदिन पे ये इच्छा करती है कि वो 30 साल की हो जाए, और अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अब 30 साल की हो चुकी है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, और क्या ये वापस कभी 13 साल की हो पाती है नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है लूपर। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 2074 की, जब वहां पे किसी को भी किसी का मर्डर करना होता है तो वो उसको सीधे फ्यूचर से पास्ट में भेज देता है, जहां पे एक आदमी गन लेके खड़ा रहता है। जैसे उसके सामने वो आदमी आता है वो तुरंत उसको गोली मार देता है। पर एक दिन जो आदमी काफी समय से इन गैंगस्टर्स के लिए काम कर रहा है, ये लोग उसी को फ्यूचर से भेज देते हैं पास्ट में, ताकि वो अपने आप को ही मार डाले और ये केस पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, किसी को भी ना पता चले कि ये लोग किस तरह के काम कर रहे हैं और ये लोग लोगों को मार रहे हैं। पर 2074 वाला जो और 2012 वाला जो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इनको पता लग जाता है कि ये दोनों एक ही हैं। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द टाइम मशीन। ये मूवी आई थी 2002 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 19वीं सदी के एक बहुत बड़े आविष्कारक की, जो एक टाइम मशीन के ऊपर काम कर रहा होता, पर एक दिन इसी के आंखों के सामने इसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है, जिसके बाद ये ठान लेता है किसी भी तरह टाइम ट्रेवल को संभव बनाएगा। ये अपनी टाइम मशीन को किसी भी तरह पूरा करेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को वापस जिंदा कर देगा। ये उस मशीन को सक्सेसफुली बना भी लेता है, लेकिन ये गलती कर देता है और एक गलती से फ्यूचर में 800,000 साल आगे पहुंच जाता है। वहां पे ह्यूमंस कैसे हैं, पृथ्वी का क्या हाल है, ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है डेजा वू। ये मूवी आई थी
2006 में। डेजा वू का मतलब होता है कि अगर आप मान लो किसी जगह पे गए और उस जगह पे आज तक आप कभी भी नहीं गए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे पहले आए हो, आप वहाँ पे नहीं गए लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे गए हो, इसी को कहा जाता है डेजा वू। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है न्यू ऑरलींस की, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद एक ATF एजेंट को बुलाया जाता है ताकि वो आए पता लगाए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। वो इसमें असफल रहता है, उसको नहीं पता चल पाता, तब ये लोग मिलके एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको देख सकते हैं। मतलब ये लोग लिटरली पास्ट को देख सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, सब कुछ इनको पता चल जाएगा। आखिर उस टेररिस्ट अटैक में ऐसा क्या खास है कि इनको एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.1/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी X-Men डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट है। मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। ये एक सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है फ्यूचर की, जब ह्यूमंस और म्यूटेंट्स का अस्तित्व खतरे में होता है। म्यूटेंट्स ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, बस इनके पास सुपर पावर्स होती हैं। और भविष्य में अब कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग आ गए हैं जो ह्यूमंस को और म्यूटेंट्स को दोनों को खत्म करना चाहते हैं, और उन्होंने लगभग सबको खत्म कर दिया है। लेकिन उसी वक्त म्यूटेंट्स को एक आइडिया आता है और वो लोग वुल्वरीन को भेज देते हैं पास्ट में ताकि वो उन इंसिडेंट्स को बदल दे जिसकी वजह से फ्यूचर में ह्यूमंस और म्यूटेंट्स पूरी तरीके से समाप्त होने वाले हैं। क्या वुल्वरीन इसमें सफल हो पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.9/10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी एज ऑफ टुमारो, ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जिसपे एलियंस अचानक से हमला कर देते हैं। तब जितने भी देश हैं वो सभी लोग साथ में आते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, अपनी रिसोर्सेज शेयर करते हैं और मिलके एलियंस से लड़ते हैं। लेकिन उसी बीच एक सोल्जर एक बहुत बड़े एलियन को मार डालता है और उसका खून सीधे इसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद इसके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि जितनी बार ये युद्ध के अंदर मारा जाता है वो दिन रीस्टार्ट हो जाता है, ये वापस जिंदा हो जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और आखिर ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.9/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।